क्लोरीन गैस, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि कई जगह क्लोरीन गैस लीक होती है तो वहां हड़कंप मच जाता है, काफी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये एक्चुअल होती क्या है, अगर बाय चांस लीक होती है तो आसपास के जो लोग हैं उनको किस तरह से सावधानी रखें? बेसिकली आज जो क्लोरीन गैस लीक का जो इंसिडेंट हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेक्टर 16 में हुआ है, उसकी वजह से इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्लोरीन गैस यूजली इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, वाटर डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज की जाती है, स्विमिंग पूल्स में यूज की जाती है, और हॉस्पिटल में इसे एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है, फ्लोर वाइपिंग के लिए करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी इसे डिसइंफेक्ट किए जाते हैं। क्लोरीन गैस की जो है इसकी अगर मात्रा जो एक टॉलरेंस लेवल से ज्यादा मात्रा से एक्सपोजर हो जाता है तो ये आईज के लिए, स्किन के लिए, और जो ज्यादा फेटल है वो लंग्स के लिए फेटल होती है। क्लोरीन गैस का जो प्रॉब्लम क्या आता है, इसकी जो डेंसिटी है वो एयर की डेंसिटी से ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर ये लीक हो जाती है तो ये हवा में ऊपर नहीं जाती है, ये एक क्लाउड बना लेती है अर्थ के ऊपर ही, जिससे लोगों का यूजली क्या रहता है लोगों को कि अगर कोई गैस लीक हुई है तो वो ऊपर से नीचे भागते हैं या नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। पर इस गैस के बारे में अवेयरनेस जरूरी है, बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी ये नीचे ही क्लाउडिंग करती है, इससे अगर कहीं नीचे गैस लीक हुई है तो लोगों को ऊपर वाले फ्लोर्स पे चले जाना चाहिए। इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ये आईज में इफेक्ट करती है, आईज को बहुत एसिडिक कर देती है, जिससे आईज में कॉर्नियर अल्सर होने के चांस रहते हैं, स्किन को बहुत इरिटेट करती है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट इसको इनहेलेशन पॉइजन माना जाता है। जैसे ही इसको कोई भी ह्यूमन बीइंग इनहेल करता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इरिटेंट है, लंग्स को इरिटेट करती है, ब्रोंकस को इरिटेट करती है, और वहां पर इरिटेशन से फ्लूड इकट्ठा हो जाता है और पल्मोनरी एडिमा नाम की एक फेटल बीमारी हो जाती है इसको, जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज करती है और जिससे डेथ होने का चांस भी रहता है अगर ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया काफी सिम्टम, अगर बाई चांस लीक होती है, लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले क्या किया जाए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई लोग इधर उधर भागते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उनको नहीं समझ आता, तो ऐसा क्या करना चाहिए अगर इस तरह की प्रॉब्लम? इसका सिंपल ट्रीटमेंट है, अगर स्किन पे जो इरिटेट करती है स्किन को मैक्सिमम हमें वाटर से वॉश करना चाहिए जिससे इसको रिमूव कर दें, आईज को नॉर्मल सलाइन से वॉश करना चाहिए जिससे उसका जो पीएच है जो एसिडिक हो गया है वो नॉर्मल हो जाए, और जो लंग्स की प्रॉब्लम है उसके लिए अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है देन ऑल्सो 6 घंटे के लिए इन लोगों को हॉस्पिटल में ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। और इसमें सोडा बाइकार्ब, जैसे मैंने बताया कि एसिडिक कर देती है, तो सोडा बाइकार्ब का नेबुलाइजेशन, जो अस्थमा के पेशेंट को मशीन से नेबुलाइज करते हैं सोडा बाइकार्ब से नेबुलाइज किया जाता है, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो स्टीरोइड से नेबुलाइज करते हैं, और सिस्टमेटिकली जिसको इंजेक्शन के रूप में भी स्टीरोइड दिए जाते हैं, और इन लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, पल्मोनरी एडिमा जिसको नॉन कार्डिक पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं जो काफी फेटल होता है, जिसके लिए इन लोगों को आईसीयू में भी रखना पड़ता है, सम टाइम वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ती है, और इनका फ्लूड इनटेक मॉनिटर करना पड़ता है क्योंकि लंग्स में पहले ही फ्लूड इकट्ठा हो चुका है, तो ओवर फ्लूड बॉडी में नहीं होना चाहिए, अगर उस लेवल पे है तो आईसीयू में रखना चाहिए, अगर सिंपल एक्सपोजर है 6 to 24 आवर हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। तो आपने एक चीज कही कि पानी कई लोग ज्यादा पीते हैं, वो नहीं पीना चाहिए अगर इस तरह की सिचुएशन है? अगर बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, जिसको कहते हैं 400 ppm के अप्रोक्सीमेट बोला जाता है, 400 ppm to 1000 ppm तक का एक्सपोजर है और बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो रहे हैं तो इन एक्सेसिव वाटर नहीं लेना चाहिए, और आईसीयू में इनकी फ्लूड इनटेक की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कितना फ्लूड इनको लगाया जा रहा है, कितना यूरिन आउटपुट आ रहा है, अगर ब्रीदिंग ज्यादा आ रही है तो फ्लूड को उसी हिसाब से सेंट्रल वीनस प्रेशर से मेजर किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि सर ने बड़ा एक अलग अलग पॉइंट के हिसाब से समझाने की कोशिश की, अगर बाई चांस इस तरह की चीजें हों तो किस तरह की चीजों का ध्यान रखना है? हालांकि बिल्कुल पैनिक नहीं होना, जैसे सर ने भी बताया कई इस तरह की सिम्टम्स अगर आए या इस तरह की लीकेज होती है तो एकदम जो हॉस्पिटल्स में जाके साथ के साथ जो है ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, क्योंकि क्लोरीन गैस पहले भी इस तरह के मामले चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, ट्राईसिटी की बात करें, तो इस तरह के मामले आए, हालांकि कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है क्योंकि साथ के साथ उनको ट्रीटमेंट जो है वो दिया गया हॉस्पिटल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, लेकिन इस तरह की कोई दिक्कत आए तो साथ के साथ हॉस्पिटल में जाके अपना जो है ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करवाएं।